तमाड़पुरजी और बीरबांकी प्रखंड को अलग प्रखंड का दर्जा दिया जाए। आप लोग को हम सूचित कर देना चाहेंगे कि बीरबांकी और तमाड़पुरबी प्रखंड जो है 2011-12 में ही कैबिनेट से पारित कर दिया गया था कि कार्मिक विभाग से नोटिफिकेशन नहीं निकलने की वजह से इतने दिनों तक रुका रहेगा। इस संदर्भ में मेरा कहना है कि जब पिछली सरकार ने इसे पारित कर दिया था तो उसके बाद जो सरकार बनी उस सरकार ने इसे आज 7.5 साल से क्यों रोक के रखा है। यदि बीरबांकी प्रखंड बन जाता तो बीरबांकी के लोग जो आणकी प्रखंड में आकर अपना काम करवाते हैं 7.5 साल किया, अगर एक व्यक्ति एक दिन में 100 रुपया भी खर्च किया तो 7.5 साल में ऐसे कई लोगों का 100 रुपया खर्च हुआ। तमाड़पुरवी प्रखंड का लोग पियाकुली आरा अंगा कुबा साल के लोग आकर के तमाड़ प्रखंड में अपना काम करवाए, काम हुआ भी नहीं भी हुआ, 7.5 साल उनको अननेसेसरी का खर्च करना पड़ा। इसीलिए मेरा कहना है कि पिछली सरकार ने यदि ऐसे अलग प्रखंड का दर्जा दे दिया था तो इसका कार्मिक विभाग से नोटिफिकेशन निकाल के अलग प्रखंड का दर्जा दे दिया जाए, क्योंकि उसके लिए ज़मीन भी, थाना के लिए ज़मीन, प्रखंड कार्यालय के लिए ज़मीन का भी तलाश होना प्रारंभ है। दूसरी बात है, वर्षों से तमाड़बुंडू की जनता एक डिमांड करती रही है रेलवे ट्रैक का। वर्ष 2000 से मैं अखबारों में भी पढ़ता रहा और कभी कभी सुनाई भी देता रहा कि हाँ रेलवे ट्रैक सेंसन हो गया है, सुभाष चौक में भी लड्डू बन गया बट जाता है, लेकिन आज तक ट्रैक नहीं दिखा। मेरा कहना है कि अनुमंडल बन गया है जब ये, और कांड्रा से लेकर नामकुम तक आप रेलवे ट्रैक देने का घोषणा कर रहे हैं, डिमांड भी है। अगर रेलवे ट्रैक बनेगा तो इस अनुमंडल क्षेत्र का अप्रत्याशित वृद्धि होगी, लोगों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। हो सकता है कि यहाँ इन्वेस्टर भी है, यहाँ बहुत सारी सरकारें जमीनें हैं, हमारे भाइयों का भी कितना ज़मीन है, यहाँ पर मुंडा मान की साहब लोग का पास हजारों एकड़ ज़मीन है। तो यदि सरकार चाहती है तो इस रेलवे ट्रैक को पास आउट करके इसका सर्वे करा के रेलवे ट्रैक बिछा दो। भाई यहाँ पर भी जो गरीबी है, अक्सर नेता कहते हैं झारखंड का गर्भ में अमीरी और गोद में गरीबी है, तो कभी भूलने से नहीं होगा ना, उस गर्भ का अमीरी को गोद में भी दो भाई। दूसरी बात यह है कि 24 साल का यह झारखंड हो गया, तब देखता था एक कविता है, बात तोड़ती पत्थर मैंने देखा था इलाहाबाद के पथ पर, सुभद्रा कुमारी चौहान जी लिखी थी, आंचल में है दूध आंखों में है पानी, हाय अबला तेरी यही कहानी। ठीक है, आपने झारखंड आंदोलन किया, हम मानते हैं, सह स्वीकार करते हैं, झारखंड अलग प्रांत बना। जो महिलाएं आपके पीछे झंडा लेके आपके नाम का जिंदाबाद करती थी, आपके राजनीतिक दल का जिंदाबाद करती थी, वो महिलाएं आज तो फिर मैं देख रहा हूँ कि लालपुर चौक या दुर्गा सोरेन चौक या क्या चौक है, उन जगहों पर अपना साजो सामान लेकर के केवल नौकरी का तलाश में कि आज काम मिल जाएगा तो बच्चे खाएंगे, इस हालात में तो वही हो गया कि सुभद्रा कुमारी चौहान कब लिखी थी, आज वो जीवित भी नहीं हमारे बीच में, लेकिन उसकी जो कविता थी आज भी देखने के लिए मिल रहा है। तो भाई आपने झारखंड बनाया, आज झारखंड में आपका साराज चल रहा है, आप तब बोलते थे ये हालात है, आपके हाथ में सब कुछ है, तो आप तो भाई जादूगर है, आप कर दीजिए इसको, दिक्कत क्या है। पीटर जी, आप ही मंत्रालय में थे, इन मुद्दों को लेकर क्या क्या बात हुई थी। मैं सरकार में जब था तो छोटी सी एक बात बता रहा हूँ, एक संलेख आया था, हर राज्य का कंटीजेंसी फंड होता है जिसे अकस्मिता निधि कहते हैं,
150 से 300 करोड़ करने का वो संलेख आया, मैंने विरोध कर दिया था। मैंने पूछा कि आखिर 150 से 300 करोड़ इसको क्यों किया जाए, तो कैबिनेट के सारे लोगों का कहना था कि आपको आपत्ति क्या है। हम बोला आपत्ति मेरे को कुछ नहीं है, बिकॉज हम नया मिनिस्टर बना है, इसीलिए हमको समझा दीजिए कि 150 से 300 करोड़ क्यों कीजिएगा। तो इस बात की चर्चा हुई, फिनांस सेक्रेटरी जी भी आए, उनको ही बुलाया गया कि आखिर वजह क्या है भाई, वो पूछ रहे हैं मंत्री जी, उनको थोड़ा क्लियर कीजिए। तो उन्होंने कहा कि भाई आप ही लोग बनाते हैं। हमने कहा आज मंत्री, आज मुख्यमंत्री मुंडा जी है, कल सोरेन जी होंगे, परसों दास जी होंगे, गाइडलाइन तो आप ही दीजिएगा ना। सरकार क्या है, 5 साल के लिए बनती है, कभी कभी सरकार 10 साल चलती है, कभी 15 साल भी चलता है, वो सरकार गठन करने का खेला अलग अलग होता चलता है, लेकिन आप तो उसी जगह पर रहते हैं ना, तमाड़ विधानसभा क्षेत्र से। मेरे को क्लियर करना, तो मेरे से पूछा गया कि इसमें आपत्ति क्या। मैं बोला सुनिए, झारखंड की आबादी उस समय में 3,25,00,000 थी, अब बिहार की आबादी 9,65,00,000। झारखंड में जो कंटीजेंसी फंड है इसको आप 150 से 300 करोड़ करना मांग रहे हैं, अब बिहार में 89 करोड़ था। ये तय है कि बिहार में हर साल बाढ़ आएगा, इसीलिए कंटीजेंसी फंड बनाया जाता है, आपदा जो आता है। अभी जैसे कोरोना काल का समय आया था, तो ऐसी परिस्थिति में उन पैसों का सीधा जनसेवा में लगाया जाता है। झारखंड में तो कभी बाढ़ भी नहीं आता, सुखाड़ भी नहीं आता, कुछ नहीं आता, तो आप 300 करोड़ क्यों कीजिएगा, 3 गुना आबादी में 89 करोड़, और यहाँ पर ही आप 300 करोड़ कर रहे हैं। बोला हमको ये चीज़ क्लियर कर दीजिए कि बात क्या, हमको विरोध नहीं करना, अच्छा है, कंटीजेंसी फंड में पैसा रहना चाहिए, क्योंकि उस समय मैं डिजास्टर मिनिस्टर भी था, डिजास्टर डिपार्टमेंट भी देख रहे थे। अगर डिजास्टर डिपार्टमेंट को मेरे कथन अनुसार उस समय मजबूत कर दिया जाता है, तो कोरोना काल के समय में ही वो डिपार्टमेंट सबसे उपयोगी साबित होती है, और इतनी सारे जो मृत्यु हुई, आकस्मिक निधन हुआ, ये नहीं हो पाता। ये मेरा व्यक्तिगत सोच है। तमाड़ विधानसभा क्षेत्र से आप पहले भी एक यात्रा किए थे, बहुत चर्चित यात्रा थी, आज फिर एक बार आप यात्रा पर निकले हैं, क्या मायने रखता है चुनाव के ठीक पहले? अब आपको मैं बता रहा हूँ, आपका कि घर में फिलामेंट जलता था, आप भी कहीं यहाँ से दूर नहीं, आप रूस अमेरिका जापान से नहीं आए, आप भी इसी अनुमंडल इसी विधानसभा क्षेत्र का है। आपको भी याद होगा कि जब पावर ग्रिड नहीं था तो फिलामेंट जलता था, मोबाइल भी चार्ज नहीं होता था। आज एसी में लोग सो रहे हैं, और जितना भी वर्क जो हो रहा है अब मशीनरी से होने लग गया है, लकड़ी कटाई भी मशीनरी से हो रहा है, पहले डीजल से लगता था। तो ये सारी बातें हैं, और बाकी ब्रीफ आप लोगों पहले भी किया गया और आप लोगों को किया गया, क्या डिग्री कॉलेज तमाड़ में, डिग्री कॉलेज, ये सब बहुत सारी बातें हैं, खासकर यहाँ पर कैनल रोड जो है, तमाड़ प्रखंड का जो सड़क है कैनल एरिया में, इतना खराब हो गया है कि अब वहाँ नेता नहीं जाते। एक व्यक्ति तो अब बोल दिया कि भाई वहाँ तो बेटी देना नहीं चाह रहा आजकल, ये तो स्पष्ट तौर पर बोल दिया गया है। तो हमारा कहना है कि भाई आँख खोलो, जनता से आप रेवेन्यू लेते हो तो जनता का रेवेन्यू का कीमत तो दो, उसे सुविधा तो उपलब्ध कराओ। चलिए ठीक है। तो सर क्या लगता है कि 31 किलोमीटर पैदल चल के 2006 में जो हम पैदल उलिया तो से लेकर के राजभवन तक किए थे, उसमें में भी हमने 31 सूत्री मांग दिया था, और उसी का परिणाम यह है कि तमाड़ में पावर ग्रिड, तमाड़ में टेक्निकल सेंटर टाटा स्टील से बना, तमाड़ में एकलव्य, तमाड़ में कस्तूरबा बना, आपका बुंडू का जो जल मीनार बड़ा वाला है थाना का सामने में, वो भी उसी का डिमांड था, हर गांव में आंगनबाड़ी केंद्र, हर गांव में पंचायत भवन बना, और हर घर घर में बिजली पहुंच गया। ये उसी पदयात्रा का देन है, उसी पदयात्रा का देन है कि लाइफ लाइन जो कहा जाता है कांची नहर का, उसमें पानी आज बहरा खेती हो गई, तो एक बार फिर प्रयास कर रहे हैं। क्या क्या मांग दिए हैं आज इसमें? तो पूरा 31 सूत्री मांग है, बहुत बहुत सारा वो पेपर आपको मांग से डिमांड से संबंधित दे देंगे,
सीधे तौर पे आप लिख दीजिएगा। हमारा एक कार्यक्रम अभी है, लोगों को, जनता को, जो भी मेरे साथ में इतना कष्ट उठा के यहाँ तक आए, उनको भी संबोधन करने के लिए हमने मौसी बाड़ी तक फिर से चलने का प्लान तैयार किया।